मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, भारत में चाय कई तरीके से बनाई जाती है। दूध की चाय के अलावा लोग नींबू की चाय पीना भी काफ़ी पसंद करते हैं। आपको बता दें कि नींबू की चाय बनाने में बेहद आसान है और इसे बनाने के लिए बस आपको कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसे कई लोग होते हैं जो सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीना पसंद करते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप नींबू की जगह नींबू वाली चाय भी पी सकते हैं। रिसर्च की माने तो गर्म नींबू की चाय आम सर्दी के लक्षणों से राहत देने में कारगर है और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। नींबू की चाय के और भी कई सारे फायदे होते हैं। वहीं अगर आप इस चाय में शहद और अदरक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो समझिए कि इसके गुणों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अब नींबू की चाय के फायदों की हम बात ज़रूर करेंगे, पर उससे पहले आपको क्यों ना बता दें कि आप किस तरह बना सकते हैं परफेक्ट नींबू की चाय। नींबू की चाय बनाने के लिए आप जितना चाय पीना पसंद करते हैं उतने कप पानी लें और इस पानी को उबालें। अब इसमें चाय की पत्ती डालें। याद रखें कि जितना आप नॉर्मल चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं अपने चाय के लिए, उसकी आधी या फिर उससे भी थोड़ी कम चाय पत्ती का इस्तेमाल करें। अब इसे उबलने दें। जब आपकी चाय अच्छी तरह से उबल जाएगी तो आप इसे एक कप में छान के रख लें। अब कप में ऊपर से नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। अगर आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें शहद और अदरक को कद्दूकस करके भी मिक्स कर सकते हैं। लीजिए, बनकर तैयार है आपकी नींबू वाली चाय। बात करते हैं अब इस बेहतरीन सी चाय के फायदों की। हम सभी जानते हैं कि नींबू की चाय चर्बी घटाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन कैसे? दरअसल नींबू आपके शरीर में जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उन्हें बाहर निकालकर आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है। विटामिन सी प्रमुख स्रोत होता है नींबू का, जो ना ही सिर्फ आपके शरीर के टिश्यू की वृद्धि करता है बल्कि उसे रिपेयर भी करता है और विकास के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये चाय मदद करती है। नींबू में मौजूद विटामिन सी आयरन की कमी को रोकने में मदद करता है और हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग के खतरे को कम करता है। इसके साथ ही अगर आप नींबू की चाय में अदरक मिलाते हैं तो ये एंटी इन्फ्लामेंट्री गुणों से भरपूर होकर एक हेल्दी ड्रिंक बन जाता है। अदरक मतली यानी उल्टी का इलाज करने और मांसपेशियों में दर्द को कम करने के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा बार बार भूख लगने की समस्या को भी ये कम करता है। अदरक आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है और पाचन में सहायक होता है क्योंकि इसमें फाइबर सामग्री होती है। नींबू की चाय के स्वास्थ्य लाभों का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो नींबू की चाय में कभी भी चीनी का इस्तेमाल ना करें। चीनी के बजाय आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्राकृतिक स्वीटनर है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे आपको सामान्य से ज़्यादा फैट बर्न करने में मदद मिलती है। अगर आप चाहें तो कार्बनिक लेमन ग्रास भी जोड़ सकते हैं। इसे चाय का पानी उबालते वक्त डालें। लेमन ग्रास एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है और आपकी त्वचा के साथ साथ आपके बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ये मासिक धर्म के दर्द से जुड़ी परेशानियों में भी राहत देता है। तो है ना, कितने सारे फायदे नींबू वाली चाय के। और अब तो हमने आपको फायदों के साथ ही से बनाने का तरीका भी बता दिया। तो बिना टेंशन सुबह सुबह चाय के बजाय नींबू वाली चाय का सेवन करें और उठाएं इसके ढेर सारे फायदे। उम्मीद करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम भी आएगी। तो अगर ये जानकारी आपके काम आई है, आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।